सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिनीत, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही अमेजिंग और खास होने वाला है। दोस्तों एंड्रॉयड फ़ोन यदि आप यूज़ करते हैं तो बनी सी बात है कि एंड्रॉयड फ़ोन में व्हाट्सएप आप यूज़ करते ही होंगे। मैं भी यूज़ करता हूँ, आप भी यूज़ करते होंगे और आपके आसपास जिनके भी पास यदि एंड्रॉयड फ़ोन है तो बनी सी बात है कि उसके फ़ोन में व्हाट्सएप होगा ही। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको व्हाट्सएप का एक ऐसा हिडन फीचर, एक ऐसी सीक्रेट ट्रिक के बारे में बताऊंगा जो कि इससे पहले ना तो आपने कभी यूज़ किया होगा ना ही आपको इसके बारे में कभी किसी ने बताया होगा अभी तक। दोस्तों इस ट्रिक से यदि आप किसी को मैसेज करते हैं, इस ट्रिक को यदि आप अपने मोबाइल फ़ोन पर अप्लाई कर लेते हैं और इससे यदि किसी को मैसेज करते हैं तो सामने वाला जो बंदा होगा, जिस भी पर्सन को आप मैसेज करेंगे इस ट्रिक को अप्लाई करके, तो सामने वाला जो होगा वो एकदम ही चौंक जाएगा इस ट्रिक को देखकर और पूछेगा ये तुमने कैसे कर लिया। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको व्हाट्सएप का एक ऐसा ही हिडन फीचर, एक ऐसी ही ट्रिक बताने वाला हूँ। तो क्या है वो, किस तरीके से आप उस ट्रिक को यूज़ करते हैं, तो जानने के लिए दोस्तों बने रहें आप इस वीडियो पर बिना स्किप करे, शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन आप देख रहे हैं उसको दबाकर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही इस बेल आइकन को, घंटी वाले बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे इस चैनल के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो दोस्तों बिना टाइम को वेस्ट किए चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि मैं आपको व्हाट्सएप की एक ऐसी सीक्रेट ट्रिक के बारे में बताने वाला हूँ जो कि इससे पहले ना तो कभी आपने अपने मोबाइल फ़ोन पर अपने व्हाट्सएप पर इस ट्रिक को यूज़ किया होगा और ना ही कभी इस ट्रिक के बारे में अभी तक आपको किसी ने बताया होगा। दोस्तों कई बार होता है हम अपने व्हाट्सएप पर अपनी किसी गर्लफ्रेंड से या फिर बॉयफ्रेंड से या फिर किसी ऐसे पर्सन से बात कर रहे होते हैं और वो व्यक्ति, सामने वाला जो पर्सन है, उसने हमें इंग्लिश में मैसेज कर दिया और मान लीजिए हमसे इंग्लिश नहीं आती, क्योंकि दोस्तों हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें की इंग्लिश नहीं आती, तो हमें क्या करना पड़ता है कि हम उस मैसेज को, क्या उसने मैसेज किया उसको समझ के लिए हम आजू बाजू किसी से पूछते हैं कि भाई ये बता दे क्या लिखा हुआ है, फिर हम उसको उस तरीके से समझते हैं, फिर उसको रिप्लाई कर पाते हैं। पर दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे कि मान लीजिए आपको किसी ने व्हाट्सएप पर मैसेज कर दिया है तो आप तुरंत पे झटपट उसको व्हाट्सएप पर रह कर ही, बिना बाहर आए व्हाट्सएप से, उसको वहाँ पर तुरंत ही उस मैसेज का रिप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों किस तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ये मेरा व्हाट्सएप ओपन हो चुका है, यहाँ पर मैं कुछ भी मैसेज यदि इंग्लिश में लिखना चाहता हूँ तो मैं हिंदी में लिखूंगा पर वो ऑटोमेटिकली इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए मैं आपको करके बता देता हूँ, यहाँ पर मैं इस तरीके से गया, आप देख रहे हैं यहाँ पर मैं इस तरीके से गया, मैं टाइपिंग वाले ऑप्शन पे हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जी जो साइन बना हुआ है इस पर मेरे को इस तरीके से टच करना है। टच करने के बाद यहाँ पर एक ट्रांसलेट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर इसको टच करना है। इसके बाद यहाँ पर आप देख पाएंगे इंग्लिश टू हिंदी, पर मेरे को यहाँ से हिंदी टू इंग्लिश करना, तो इसके लिए ये सेंटर में ये दो एरो है इस पर टच करूँगा तो यहाँ से हिंदी से इंग्लिश पर ट्रांसलेट होने लगेगा। तो अब देखिए यहाँ पर मैं लिखूँगा हिंदी में पर ऊपर की तरफ में यहाँ पर ये जो भी मैसेज मैं लिखूँगा वो इंग्लिश में टाइप हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ और भाई कहाँ पर रहते हो तुम, या फिर लिखता हूँ और भाई कैसे हो, देखिए और भाई कैसे हो, तो यहाँ पर देखिए ये जो मैसेज है ये टाइप हो चुका, हाउ आर यू ब्रदर, ठीक है ना, ये लिख गया इस तरीके से इंग्लिश में। अब देखिए मैं और भी कुछ आपको लिख के बता देता हूँ कि देखिए तुम कहाँ रहते हो, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हिंदी में लिखा है तुम कहाँ रहते हो, क्योंकि नॉर्मली हम जो व्हाट्सएप मैसेज पे बात करते हैं उस तरीके से लिखा है तुम कहाँ रहते हो, यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली इंग्लिश में कन्वर्ट हो चुका है वेयर डू यू लिव। तो इस तरीके से आप दोस्तों हिंदी में लिखेंगे और बहुत ही आसान तरीके से सिंपल आप हिंदी में लिखेंगे वो मैसेज या फिर जो भी लैंग्वेज में जो आप नहीं समझ पा रहे हैं, ये मैं इंग्लिश के लिए ही नहीं बोल रहा हूँ, बहुत सारी ऐसी लैंग्वेज होती है और सामने वाला हमें उस लैंग्वेज में मैसेज कर देता है जो कि हम नहीं समझ पाते, तो वो आप बहुत ही आसान तरीके से उस लैंग्वेज को समझ कर उसको आप उस लैंग्वेज में उस पर जवाब दे सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो ये दोस्तों मैंने किस तरीके से किया, तो इसके लिए दोस्तों आपको आपका जो मोबाइल फ़ोन है उस पर आपको दो एप्लीकेशन डाउनलोड करने की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहला तो है दोस्तों गूगल ट्रांसलेट, ये जो है गूगल की एप्लीकेशन होती हैं दोनों, पहला है गूगल ट्रांसलेट और दूसरा है दोस्तों गूगल कीबोर्ड। ये आपको प्ले स्टोर पर इस तरीके से जाएंगे तो आपको यहाँ पर टाइप करना होगा, ये देखेंगे यहाँ पर आप टाइप करेंगे जी बोर्ड करेंगे, यहाँ पर देखिए ये जी बोर्ड करेंगे तो ये इस तरीके से ये एप्लीकेशन सामने आ जाएगी आपको गूगल की जी बोर्ड। वैसे तो ये इनबिल्ट आती है सभी फ़ोनों पे, अगर आपके फ़ोन पर नहीं है तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहली एप्लीकेशन ये हो गई है और यहाँ पर ये जो सेकेंड एप्लीकेशन है ये होगा गूगल ट्रांसलेट, ये गूगल यहाँ पे मैंने ट्रांसलेट लिख दिया, ये देखिए ये पहला वाला जो एप्लीकेशन है, ये दोनों गूगल की सर्विसेज हैं, गूगल की ही एप्लीकेशन है। तो ये दो एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करने की जरूरत पड़ेगी, पहला है
गूगल ट्रांसलेट और दूसरा है दोस्तों गूगल कीबोर्ड यानी कि जी बोर्ड कहते हैं उसको। तो ये दो एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और इसका जो डाउनलोडिंग लिंक होगा मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप चाहें तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन से भी इस एप्लीकेशन को, इन दोनों एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पर ये जो वीडियो देख रहे हैं, वीडियो का ये जो टाइटल होता है, नाम होता है, यहाँ पर आपको ये एरो देखने के लिए मिल जाएगा। इस एरो पे इस तरीके से आपको टच करना है। टच करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे की तरफ में आना है, यहाँ पर आपको मिलेगा डाउनलोड ऐप क्लिक हेयर। तो यहाँ पर आपको नीले कलर से एक लिंक देखने के लिए मिलेगी, इसको आपको यहाँ पर टच करना है। जैसे ही आप इस पर टच करेंगे तो आप इस एप्लीकेशन को अपने फोन पर डाउनलोड कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो के नीचे जो लाइक बटन है इसको दबाकर इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ यहाँ से इसको शेयर कर दीजिए। और दोस्तों यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है इसको दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही इस बेल आइकन को, घंटी वाले बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे चैनल के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो दोस्तों फिलहाल के लिए अभी इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।